हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बीएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है, ये आवश्यक सूचना इसमें देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, 23/5/2022 का है और पत्रांक 19/28, यानी विज्ञापन संख्या जो है इतना, यानी कि 06060114 प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 हेतु 15/12/2021 से 25/12/2021 तक काउंसलिंग आयोजित की गई। काउंसलिंग के दौरान पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अद्यतन क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया, ठीक है। और इसमें देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र संख्या 7591 दिनांक 20/5/2022 द्वारा एक बार की उपाय वन टाइम मेजर के रूप में पूर्वोद्धारण नहीं बनाए जाने की शर्त पर अभ्यर्थी के माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 की आय के आधार पर वर्ष 13-14 का क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। उक्त पत्र के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्हें 2013-14 से संबंधित क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है की सूची आवश्यक कार्रवाई है तो संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें वर्ष 13-14 से संबंधित क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है के नाम के अनुक्रमांक सहित जिलावार सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, ठीक है। ये अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 की आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर आवेदन करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित आवेदन की नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच कराकर 13-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आंकलन के आधार पर क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जाने वाला यह क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र 2013-14 से संबंधित होगा, यानी वर्ष 2013-14 से संबंधित क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद इसे आयोग के लिंक पर वेबसाइट अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे। अब ये देखिएगा, सूची दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि देखिएगा डिस्ट्रिक्ट अररिया में देखिए कितना है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अररिया में कुल 50 है। अरवल में देखिएगा दोस्तों, अरवल में आप देख सकते हैं, अरवल में कुल 24 है, यानी कि प्रत्येक जिला वार यहाँ पर सूची दी गई है। आप जो है अपना मिला सकते हैं, जिस जिले से हैं आप, क्या आपका नाम है या नहीं, आप इसमें मिला सकते हैं। ये यानी कि बहुत सारा दिया गया है। कुल यदि पेज देखिएगा तो ये 119 पेज है, ठीक है। ये आप अपना नाम मिला सकते हैं, ये देखिए, ये जैसे देखिएगा भागलपुर का है, तो भागलपुर में आप कितना है ये भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा भागलपुर का यहाँ समाप्त हो जाता है, यानी 127 भागलपुर के हैं, ठीक है। उसके बाद भोजपुर की बात यदि की जाए तो भोजपुर का देखिएगा दोस्तों 60 है, ठीक है। उसके बाद बक्सर का देखिए यहाँ समाप्त हुआ है, 58 है बक्सर से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दरभंगा, तो दरभंगा से देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा दरभंगा से कुल 61 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ईस्ट चंपारण से देखिएगा दोस्तों कितना है, ईस्ट चंपारण से कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। ईस्ट चंपारण से वो 128 कैंडिडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल, ठीक है। इस प्रकार जो है सभी जिले, अपने ज़िले के लिस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या आपका नाम इसमें है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। देखिए गया से कितना है, 174 गया का है। उसके बाद देखिएगा गोपालगंज का भी देख सकते हैं, जमुई, यानी 3800 जिले का सूची यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको
देख सकते हैं। ठीक है, कटिहार का देखिएगा, कटिहार से कितना है टोटल 65 है। खगड़िया का देखिएगा दोस्तों, खगड़िया 59 है। किशनगंज देखिए मात्र 16 है। लखीसराय का देखिए दोस्तों, लखीसराय हाँ यहाँ तक है 45। तो इस प्रकार आप अपना टोटल लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आयोग के वेबसाइट पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये व्यवस्था कैसी है। ये निश्चित रूप से ऊहापोह की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देखिए नालंदा से देखिएगा दोस्तों, 275 है, सर्वाधिक कैंडिडेट नालंदा से ही है 275। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आखिर कैसी व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैकल्पिक व्यवस्था क्यों। ये देखिएगा पूर्णिया से भी है दोस्तों 54। ठीक है, यानी कि टोटल ज़िले का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आप इसको पूरा देख सकते हैं, मैं पूरा अंतिम तक लेके जा रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए। यानी कि टोटल जो है ये देखिएगा, टोटल यहाँ वेस्ट चंपारण का कितना है 101। तो इस प्रकार जो है ये अंतिम पेज है, और ये देखिएगा डेट भी यहाँ दिया हुआ है 23/5 का है, तो आप अपना मिला लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब स्वाभाविक है कि ऑल्ड एनसीएल वाले इसको देखकर और भी नाराज हो जाएंगे, निश्चित रूप से कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। तो अब देखिए बहाली कहाँ फंस रही है, कितना फंसने की संभावना है या क्लियर होने की संभावना है, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, ये समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट है, धन्यवाद।